बड़े अरसे से आउट ऑफ फॉर्म था, लेकिन आज उसने तब रन किया जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये जितने भी बैठ के पहला प्ले कर रहे थे ना, घुसा दिया उसको उन सब के अंदर, उन सब के अंदर घुसा दिया। शुमन गिल चला, उस बंदे ने फिर गुस्सा निकाला ना, उस बंदे ने बजाई है इंग्लैंड की घंटा, घंटा बजाया इंग्लैंड का घंटा, इसे कहते हैं घंटा बजाना। और बेटा फिर उसने जो लंबे लंबे पेले है ना इनको, ये छनकना भी बजाया उसने साथ, घंटे के साथ साथ छनकना भी बजाया उसने। टेस्ट करियर के तीसरे शानदार शतक से शुमन ने जीता दिल, वाइजेक टेस्ट में लूट ली महफ। इंडिया ने पूरी तरह से इंग्लैंड को काबू के अंदर कर लिया। पिछले टेस्ट मैच में जो गलतियां हुई थी इस दफा नहीं हो रही, दोनों इनिंग्स के अंदर 200 आए हैं। जी हाँ, शुभमन गिल की शानदार किस्म की बल्लेबाजी, 4 आउट हो चुके हुए थे, बाकी एक चांस मिला गिल को, लेकिन उसने सही यूटिलाइज किया, बड़े 100 के अंदर तब्दील किया। शुभमन गिल की ये बेहतर से बेहतरीन इनिंग हो सकती, क्योंकि इंडिया को आज शुभमन गिल की जरूरत थी। इंडिया को आज एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत थी जो आके इंग्लैंड का घंटा बजाए, अकेला खड़ा हो गया, क्योंकि पिछली इनिंग्स में ये जसप्रीत जायसवाल ने घंटा बजाया, फिर बॉलिंग में जो है वो जसप्रीत बुमराह ने बजाई इनकी। वाइजेक टेस्ट में शुभमन गिल का शानदार शतक देखने को मिला, और उस वक्त जब खुद शुभमन गिल पर टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में खेलने पर सवाल उठ रहे थे, आखिरकार शुभमन गिल ने फिर से सभी को जवाब दे दिया है कि अब भी शुभमन गिल के बल्ले में जोर बाकी है, और उन पर भरोसा जो कप्तान रोहित शर्मा और सिलेक्शन कमेटी ने दिखाया था वो बिल्कुल भी गलत नहीं था। दोस्तों, आज शुभमन गिल के शतक ने भारतीय टीम में एक नई जान फूंक दी है। शुभमन गिल के अलावा और कोई भी प्लेयर आज परफॉर्म नहीं कर पाया, यानी कि भारतीय टीम के सारे नए खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो जायसवाल हो चाहे शुभमन गिल हो। पिछले कुछ समय से शुभमन गिल परफॉर्म जब नहीं कर पा रहे थे, उनके सिलेक्शन पर सवाल उठाए जा रहे थे, कहा जा रहा था कि ये खिलाड़ी फॉर्म में नहीं है, शुभमन गिल को क्यों लिया है रोहित शर्मा ने और सिलेक्शन कमेटी ने। लेकिन शुभमन गिल ने आज जो 100 दिया है, अपना 100% दिया, और उसके बाद 100+ स्ट्रोक भी दी, 104 उन्होंने बनाई है, और जो उन्होंने शतक बनाए हैं उसकी आज भारतीय टीम को सख्त जरूरत थी। ऐसे इंटेंस मच नीडेड टाइम में जब आपकी टीम की कोई 132 बॉलों के ऊपर उसने 100 स्कोर किया, इसका मतलब ये है कि उसने तेज भी खेला है, बेस बॉल को पूरी टक्कर भी दी है। शुभमन गिल द प्रिंस ऑफ इंडिया, जिसको फेमस है प्रिंस के नाम से, बड़े अरसे से आउट ऑफ फॉर्म था, लेकिन आपको याद होगा पहली इनिंग्स में जब इसने बल्लेबाजी की थी मैंने तब भी कहा था मुझे गिल जो है ना वो टच के अंदर नजर आए, गिल ने जितने भी रन किए थे बड़े अच्छे टच के अंदर किए थे, और गिल जो है ना अगली इनिंग्स में कुछ करके दिखा सकता, और वही हुआ। देखो मैं भी उन बंदों में शामिल हूं जिसने शुभमन गिल पे बात की, यार ये नहीं रन कर रहा, लेकिन उसने किए हैं रन आज। आज उसने तब रन किया जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी। मेरे बोबजी घंटे की तरह उसने तब रन नहीं किए जब पाकिस्तान हार जाए, बाबर आजम तो रन करता है ना पाकिस्तान हार जाता है, लेकिन शुभमन गिल ने आज रन किए हैं, इंडिया को जरूरत थी। शुभमन गिल ने आज रन किए हैं, जहां कोई नहीं चला वहां गिल चला, और कहने ना ये गिल का मामला है, उसने पकड़ के घुसा दिया, डंडा दे दिया अंदर इंग्लैंड के अंदर डंडा दे दिया। अभी कोई आ गई है मुझे ना बोले कि इंडिया ने दूसरी इनिंग में बैटिंग अच्छी नहीं की, ये नहीं किया वो नहीं किया। देखो पहली इनिंग में भी तो डिफरेंस यही था, ये जसप्रीत जायसवाल ने खेला था बाकी किसी ने नहीं था खेला, तो दूसरी इनिंग में भी यही है, गिल ने खेला है बाकी किसी ने नहीं खेला। सभी का दिल जीत लिया है, लेकिन अपने आप में उनका ये तीसरा शतक टीम इंडिया के लिए इस दूसरे टेस्ट मैच में एक बड़ी संजीवनी भी साबित हुआ है। सेकंड इनिंग्स के अंदर शुभमन गिल को एक थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना लक ने, किस्मत ने साथ दिया, और शुभमन गिल ने बड़े 100 के अंदर तब्दील कर दिया। फिर चाहे वो एंडरसन हो, हार्टली हो, रेहान अहमद हो, बशीर हो, हर एक को उसने पेला है, हर एक को रख रख के पेला है, और इस वक्त इंडिया बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर मुझे लगता है आ चुकी हुई है, और इंग्लैंड का इस वक्त जो कहता है ना बुरा हाल है। इंग्लैंड कोशिश करेगा कि एज सून एज पॉसिबल इंडिया को बहुत जल्दी आउट कर ले, लेकिन इंडिया के पास जो रन्स आ गए ये बहुत ज्यादा रन्स हो चुके हैं, और इंडिया की जो पोजीशन है इस वक्त मेरी नजर के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हुई है। चौथी इनिंग्स में 400 पुत्र अपनी अम्मी की पिच पे खेल रहे हो, चौथी इनिंग्स में नहीं बनेगा, लिख के दे रहा हूं नहीं बनेगा, अपने घर की छत में नहीं खेल रहे आप लोग के बनेगा ही नहीं। और शुभमन गिल ने जो बजाया ना आज पकड़ के घंटा, तीसरा उसने 100 ठोका आज अपना टेस्ट कैरियर का, और मुझे लगता है कि ये वाला 100
उसको कॉन्फिडेंस देगा, ये वाला शो उसको बूस्ट अप करेगा उसके कैरियर में। और मुझे लगता है अब शुभमन गिल को पीछे मुड़ के नहीं देखना, अब आगे 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 आगे, अब आगे 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 आगे, अब जो मैच मिलता है बजा दे पकड़ के, क्योंकि अगला मैच इसको मिलेगा सबके अय्यर साहब को तो ड्रॉप कर दिया जाएगा। अय्यर जी मैं स्पिन बड़ी अच्छी खेलता हूं, मेरा घंटा स्पिन तो अच्छी खेलता है, रन तूने आज में 29 किए हैं, टाइम ले लेता है, इनिंग को स्टार्ट कर लेता है, फिर भिजवा देता है, कुछ रन ही नहीं करता, तो ये कोहली आ जाएगा, ये ड्रॉप हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि शुभमन गिल एक अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन एक अच्छा बल्लेबाज भी अगर अपनी पोजीशन छोड़कर किसी दूसरी पोजीशन पर जाकर बल्लेबाजी करने के लिए टीम मैनेजमेंट से बात करे और दूसरी पोजीशन पर जाकर नाकाम हो जाए, बार बार मौके मिलने के बावजूद उन मौकों को ना भुना पाए, तो सवाल तो उठने लाजमी है इंग्लैंड का क्या हाल होगा और इंग्लैंड को कितना मुश्किल होने वाला है फोर्थ इनिंग्स के अंदर चेस करना, वो भी जसप्रीत बुमराह, अश्विन, इसी के साथ साथ अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, इन सबको फेस करना, तो ये आसानी होने वाला बेसबॉल के लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है। 1 अरब 40 करोड़ के अंदर से ये 11 लड़के सिलेक्ट होके खेल रहे हैं टीम के अंदर। मैं ये बात करता हूं, मैं इसलिए करता हूं क्योंकि इनमें कोई ना कोई तो खासियत है ना जो 1 अरब 40 करोड़ के अंदर से ये चूज किए गए हैं। मैं अभी भी कहता हूं श्रेयस अय्यर भी अच्छा खिलाड़ी होगा, लेकिन उसका भी जिसको कहते हैं ना टेम्परामेंट बड़ा छोटा है, वो हिट करने के चक्कर में आउट होता है, भाई तू अपने आपको प्रॉपर टाइम दे ले, आज भी उसने खच मारी श्रेयस अय्यर ने। इसी के साथ साथ रोहित शर्मा को तो मैं क्या ही बोलूं, और ये केएस भारत किसकी पर्ची है मुझे बता दो जी, ये किसकी पर्ची है केएस भारत, ये कौन सा एडम गिलक्रिस्ट है ये बंदा, कौन है ये बंदे के 5-6 रन से ज्यादा रन करता ही नहीं है घंटा, ये भी मुझे लगता है ये केएस भारत को ड्रॉप करके यकीन करो वो जो दूसरा विकेट कीपर है दुरल उसको खिला लो भाई, इससे बेहतर ईशान किशन था टेस्ट क्रिकेट में यार, इससे बेहतर तो ईशान किशन था, तो ये घंटा रन ही नहीं कर रहा बिल्कुल, इसे रन नहीं, बैटिंग का इसे पता ही नहीं होती क्या है बेटा, सिर्फ कीपिंग से काम नहीं चलना, आपने रन भी करके देने हैं। लेकिन शुभमन गिल ये दिन ये रात ये सुबह भाई ये टाइम सारा शुभमन गिल के नाम है, शुभमन गिल ने जो फॉर्म पकड़ी है अभी मैं कहता हूँ मजा आ गया, और वो भी अपने अंदर खुश भी होगा ना, देखे ये बड़े प्लेयरों की ये निशानी होती है जब वो कमबैक करते हैं फिर वो अच्छा कमबैक करते हैं, बुरा टाइम सब पे चल रहा होता है, विराट कोहली पे भी बुरा टाइम आया था लेकिन विराट कोहली ने जब फिर कमबैक किया था ना, फिर विराट कोहली 2.0 जो नया विराट कोहली आया था ना वो पहले से ज़्यादा खतरनाक है, उसने सबकी पकड़ के बजा दी थी, उसने सबकी पकड़ के उधर ही घुसा दिया था, घंटा बजा दिया था पकड़ के, और ये आगे उसने ये नहीं देखा कि इंग्लैंड है या ऑस्ट्रेलिया, उसने सबकी पकड़ के ले ली थी, और आज भाई शुभमन गिल ने किया है, शुभमन गिल का साथ दिया अक्षर पटेल ने, अक्षर पटेल ने बड़े यूजफुल रन किए हैं, जो कहते हैं ना मैं समझता हूँ शुभमन गिल के सपोर्ट भी किया, उसको ऊपर से प्रेशर रिलीज किया है, अक्षर पटेल की आपको पता है आदत का वो जिसको कहते हैं ना रुकता नहीं है वो मारता रहता है, लेकिन शुभमन गिल की खासियत ये थी शुभमन गिल ने जो सो मारा ना, शुभमन गिल ने वो वाला सो नहीं मारा 200 बोलो के ऊपर सो वाला, वो वाला सो नहीं मारा 180 बोलो के ऊपर, खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहे हो उस समय एक यंग लड़का वो परफॉर्म करता है और आपकी टीम को एक रीढ़ की हड्डी दे देता है जिसके ऊपर पूरी टीम खड़ी रह सकती, जिसके ऊपर पूरी जिस स्कोर के ऊपर पूरी टीम डिपेंड कर सकती है, और बॉलर्स को एक चांस मिल जाता है उस सिचुएशन को जीत में बदलने का, ये काम किया है शुभमन गिल ने, और अब भारतीय बॉलर्स के ऊपर है कि वो इस सिचुएशन को कहां लेके जाते हैं और कैसे अंग्रेजों को आउट करते हैं। फिलहाल शुभमन गिल ने जो स्कोर दिया है ना उसने इस सिचुएशन को कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। आते ही जब जायसवाल और रोहित शर्मा आउट हो गए थे उसी वक्त बहुत सारे दर्शकों को तकलीफ हुई थी, अंतर मन से तकलीफ हुई थी, लेकिन जब गिल ने परफॉर्म किया डेफिनेटली अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि गिल काफी समय से परफॉर्म नहीं कर रहा था और इसी वजह से बहुत सारे लोग गिल की परफॉर्मेंस पे सवाल उठा रहे थे, लेकिन आज उन सब के मुंह बंद हो चुके होंगे, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में जब रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं और नए लड़के दबा दबा के अंग्रेजों को दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में नए लड़कों के ऊपर जो डिपेंडेंस रोहित शर्मा और सिलेक्शन कमेटी ने दिखाई थी आज उनकी जो थिंकिंग थी वो सच साबित हुई है। इस शानदार मैच की इस शानदार इनिंग पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। शुभमन गिल की ये जो परफॉर्मेंस है ये पाकिस्तान में भी इस समय छाई हुई है, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारे खिलाड़ी मैच खेलते हैं वो रन भी कई बार कर देते हैं लेकिन वो सेल्फिशली रन करते हैं, उनके रन का मैच पर डिसाइसिव इफेक्ट नहीं होता है, वो बहुत सेल्फिशली खेलते हैं और इसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट बदनाम है। लेकिन आज जो परफॉर्मेंस शुभमन गिल ने दी है और जो टीम के लिए उन्होंने आज 100 किए हैं उसकी आज हर तरफ तारीफ हो रही है, पाकिस्तानियों ने तो बहुत
बहुत सारे पाकिस्तानियों ने इसे भारतीय टीम की इस स्कोर की रीढ़ की हड्डी बताया है और पाकिस्तानी मीडिया जमकर शुभमन गिल की इस परफॉर्मेंस की तारीफ कर रहा है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।